आईपीएल शुरू होने में केवल 4 से 5 दिन ही बचे हुए हैं और इधर चेन्नई वाले प्रैक्टिस में बल्ले तोड़ने में लगे हैं। जहां एक तरफ बेन स्टॉक्स है तो दूसरी तरफ जडेजा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 31 मार्च को दोस्तों चेन्नई का पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस से है और चेन्नई वाले पहले मैच में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगे और लगातार चल रही प्रैक्टिस से चेन्नई के इरादे बिल्कुल साफ है। पिछले सीजन में गुजरात ने चेन्नई को 2 बार रोना था और चेन्नई वाले पिछले हिसाब को बराबर करना चाहेंगे, लेकिन गुजरात काफी स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें सुमन गिल जैसा ओपनर है तो हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन चेन्नई के पास बेन स्टोक्स का ब्रह्मास्त्र है तो जडेजा जैसा सूरवीर मौजूद है। दोस्तों 31 मार्च को कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है और टीम के स्क्वाड के लगभग सभी प्लेयर दिन रात प्रैक्टिस में पसीना बहा रहे हैं। हाल ही में बेन स्टोक्स और मोइन अली के अलावा ड्वेन पिटोरियस प्रैक्टिस में जमकर बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों चेन्नई की मुश्किलें मुकेश चौधरी ने बढ़ा दी हैं और शुरुआती मुकाबलों से लगभग बाहर हो चुके हैं। तो वहीं बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मयंक तीक्ष्ण और महिषा पाथिराना शुरुआती मुकाबलों में चेन्नई की फ्रेंचाइजी से दूर रहेंगे और 9 मार्च के बाद ही फ्रेंचाइजी से जुड़ पाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान दोस्तों बेन स्टॉक्स ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ ऋतुराज और बेन स्टॉक्स ओपनिंग करने उतर सकते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस सीजन में चेन्नई काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है क्योंकि बेन स्टॉक्स के शामिल होने से बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग होगी और ऋतुराज गायकवाड़ भी प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों से चेन्नई को एज अ ओपनर शानदार रिजल्ट दिया है। वहीं दीपक चाहर इस सीजन के लिए बिल्कुल फिट है और प्रैक्टिस में फुल एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। चेपॉक स्टेडियम में एमएस धोनी भी शानदार लय में नजर आ रहे हैं और माही जमकर प्रैक्टिस में फिनिशर की भूमिका भी निभा रहे हैं। एलो आर्मी अपने अभियान की शुरुआत गुजरात के खिलाफ करेगी। दोस्तों प्रैक्टिस मैच बिल्कुल रियल मैच की तरह नजर आता है जिसे आप चेपॉक स्टेडियम से लाइव और सीएसके फ्रेंचाइजी के ऑफिशियल एप्स पर लाइव देख सकते हैं। एमएस धोनी जल्द ही प्लेइंग 11 की घोषणा करने वाले हैं जिसमें ज्यादातर ऑलराउंडर खिलाड़ी देखने को मिलने वाले हैं जिसमें शिवम दुबे, मोइन अली के अलावा रविंद्र जडेजा और बेन स्टॉक्स के नाम शामिल होंगे। दोस्तों पिछले सीजन में कमजोर बॉलिंग की वजह से चेन्नई निचले पायदान पर रह गई थी क्योंकि टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज दीपक चाहर चोटिल से। सीएसके फ्रेंचाइजी इस सीजन में ड्वेन ब्रावो के बिना मैदान पर खेलने उतरेगी, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान बॉलिंग गुरु गेंदबाजों को खूब सिखा रहे हैं और ब्रावो के बिना चेन्नई फीकी तो नजर आएगी, लेकिन अब बेन स्टॉक्स शामिल हो चुके हैं तो ब्रावो की कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। गुजरात और चेन्नई दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। जहां डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के हौसले बुलंद हैं तो वहीं चेन्नई पिछली हार का हिसाब बराबर करने को बेताब है। चेन्नई से भिड़ने से पहले सभी टीमों को सोचना पड़ेगा कि आखिर चेन्नई को कैसे हराया जाए, ठीक वैसे जैसे मोदी को हराना मुश्किल होता है। और इस सीजन में चेन्नई की लहर ऐसी आने वाली है कि चेन्नई को हराना तो दूर की बात, अगर कोई टीम 20 ओवर भी खेल जाए तो बड़ी बात होगी। एक कुछ ज्यादा ही फेंक दिया हमने। दोस्तों इस सीजन में सभी टीमें काफी स्ट्रांग हैं जिनमें एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं। तो इंतजार करते रहिए जनाब 31 मार्च के महामुकाबले का। और हां, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आईपीएल की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।